रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्का न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मस्ती। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे करेंटाल। आइए दोस्तों जानते हैं भारत ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। भारत ने है ना लेबनान को हराकर है ना इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। लेबनान की राजधानी कहाँ? बेरूत है। और भारत के भुवनेश्वर में है ना कलिंगा स्टेडियम में है ना यह इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेला गया था, जिसमें है ना लेबनान को इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2-0 से हराकर है ना ये कप जीता है। दोस्तों, भारत की तरफ से सुनील छेत्री ने 46 मिनट में है ना यह कप है ना जीता है 2-0 से। और लेबनान के खिलाड़ी है ना 66 मिनट में है ना कप पराजित हुआ 2-0 से। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत को किस प्रेस को मिला है गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए? दोस्तों, भारत के है ना गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला है। गीता प्रेस कहाँ है? गीता प्रेस है उत्तर प्रदेश में। गीता प्रेस 14 भाषाओं में है ना किताबें छापती है। इसकी स्थापना किया गया था गीता प्रेस की 1923 ईस्वी में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत को किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार को सबसे श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों, भारत के न मध्य प्रदेश राज्य को सबसे श्रेणी के ऊपर रखा गया है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? यहाँ का सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ का गवर्नर मंगू भाई पटेल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम? कहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा है ना शुरू किया गया है जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम? दोस्तों, ये शुरू किया गया है लद्दाख में ना शुरू किया गया है। इसकी राजधानी कहाँ है? लेह। लद्दाख में 2 जिला की संख्या है, लेह और कारगिल। इसकी स्थापना किया गया था 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को और यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर के माथुर। राधाकृष्ण माथुर। दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।